हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक वायरलेस डिटेक्टर बना सकते हैं। ये एक एसी वायरलेस डिटेक्टर है जो एसी को पता कर लेता है बिना आप डायरेक्ट टच किए। आप एसी को पता कर सकते हैं कि उसमें से एसी या सप्लाई फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से आ रहा है, तब आपको समझ में आ जाएगी क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सप्लाई बोर्ड है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे इसका जो एंटीना है उसको यहाँ पे लगाऊंगा। तो देखिए, आप एक बज़र का जो साउंड है आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेक्ट कर ले रहा है कि यहाँ पे एसी जो सप्लाई है वो आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे भी चेक करके देख लेते हैं कैसा आता है कि नहीं सप्लाई। एक चीज़ और इसमें खास बात है कि इसमें आप न्यूट्रल फेस अलग से पता लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ दो वायर हमको मिल रहा है, तो इसमें से एक में सप्लाई आ रहा है और एक में कम आ रहा है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा न्यूट्रल है कौन सा फेस। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, इसमें साउंड बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत कम है। ठीक है, तो दोस्तों इसका यूज़ ज़्यादातर हम लोग किसी भी जगह में जहाँ पे हमारे पास मान लीजिए टेस्टर नहीं, या फिर अगर आपको पता लगाना है कि वाइड जो वायर होता है बीच में कटा ना रहे, अंदर से कोई ब्रोकन हो जाता है, तो इससे आप डिटेक्ट कर लेते हैं। जहाँ पे वायर ब्रोक होगा वहाँ पे आपका जो साउंड आना है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसको बनाना किस तरीके से है। ठीक, ये एक कैसेट के बॉक्स में हमने बनाया है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरीके से पूरा सेटिंग किया है हमने, इसमें कनेक्शन किया है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा सर्किट डायग्राम मिल जाएगा जहाँ से आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँगा। यहाँ पे तीन ट्रांसिस्टर यूज़ किए हैं, C547B का ट्रांसिस्टर यूज़ किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, C547B का हमने ट्रांसिस्टर यूज़ किया है, यहाँ पर NPN ट्रांसिस्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कलेक्टर बेस एमिटर तीनों को हमने, जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये ट्रांजिस्टर ले लीजिए, ये इस तरीके से रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है। तो कनेक्शन के लिए अब यहाँ पे देखते जाइए और जो डायग्राम है उसको देखते जाइए। तो हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे कि ये है वन ट्रांसिस्टर, वन ट्रांसिस्टर, टू ट्रांसिस्टर, थ्री। ठीक है, वन टू थ्री। अब उसी तरीके से ये वन टू थ्री, अब इसका बेस जो है वो इसके एमीटर में जाके कनेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, इसका जो बेस है इसके एमीटर में, जो दूसरा ट्रांजिस्टर है, दूसरे नंबर का ट्रांजिस्टर, उसके एमीटर में जाके कनेक्ट हुआ है। ठीक, इसका जो वन का बेस जो है एमीटर में, सेकंड के एमीटर में जाके कनेक्ट होगा, सेकंड का बेस जो है वो थर्ड के एमीटर में जाके कनेक्ट होगा। इस तरीके से बेस का लाइनअप हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसी तरीके से हमने कनेक्ट किया है, सेकंड का जो बेस है वो उसको हमने इसके एमीटर में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये बेस लाइनअप होने के बाद हम कलेक्टर लाइनअप करेंगे। कलेक्टर में आप सबसे पहले कलेक्टर में एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा है जो रेजिस्टेंस है 240 ओम्स का होगा। अगर आपको जो रजिस्टर है उसका कलर कोड, मतलब रजिस्टेंस निकालना नहीं आता कलर कोड के थ्रू, तो मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें आपको पता लग जाएगा कि रजिस्टेंस का कलर कोड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आप वो वीडियो को देखिए, आपको सबसे समझ में आ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि यहाँ से आपका एक रजिस्टेंस जोड़ना है 240 ओम्स का। उसके बाद आगे जो आपका बज़र या फिर LED इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास बज़र नहीं है। तो हमने बज़र यूज़ किया है, तो बज़र के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो बज़र का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। देखिए, जो ये जो वायर है बज़र का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो प्लस टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल से आपको दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, रजिस्टर को कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि ये जो प्लस वाला है, इससे आप, ये जो प्लस वाला है इसमें आप दो रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, एक ये है और एक ये है। देखिए क्या करेंगे, प्लस वाले से दो रजिस्टर्स हैं, ये जो रजिस्टर है ये 15K का है, ये जो रजिस्टर है ये है आपका 300K का। ठीक है, ये 15K का रजिस्टर है, 300K का रजिस्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 15K का रजिस्टर है और ये वाला जो है 300K का रजिस्टर है। ठीक है,
इस तरीके से कनेक्ट करेंगे और जो रेजिस्टेंस रहेंगे वो दोनों रेजिस्टर को दोनों उसके जो रेस्पेक्टिवली में दिया हुआ है उसके एमिटर में सॉरी उसके कलेक्टर में कनेक्ट होगा इस तरीके से। देखिए ये हमने लिया यहाँ से, ये इसका कलेक्टर में कनेक्ट हो गया, फिर इसको आगे जोड़ दिया, आगे इसके कलेक्टर से कनेक्ट हो गया, ठीक है, समझ सकते हैं ना। यहाँ पे एक वायर एक तरीके से मान लीजिए, तो दोनों को पैरेलली यहाँ पे फिट किया है और इसके साथ पैरेलली कनेक्ट कर दिया दोनों को अलग अलग, ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो बीच में जो लास्ट वाले के बेस जो बच जाता है, जैसे हमने बेस लाइनअप किया था, लास्ट वाला बेस बच जाता है और ये वाला जो इस साइड का एमिटर बच जाता है, तो जो बेस रहेगा वहाँ पे आप एक वायर कॉपर का वायर जिस तरीके से हमने ये बनाया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से कनेक्ट करके आप बना लीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप इसको बना लेंगे उसको सोल्डर कर लीजिए, और जो लास्ट हमारा ये एमिटर बचता है वहाँ पे आप बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर लीजिए। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा एमिटर का, और ये जो आपका देख सकते हैं यहाँ से हमने अंदर वायर डाला था जो नेगेटिव बैटरी से कनेक्टेड है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे है यहाँ से हमने जोड़ दिया है, अभी यहाँ पे जो बैटरी है उसको भी साइड कर दीजिए, एक वायर लीजिए और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक और वायर कनेक्ट कर दीजिए और उसको प्लस के बैटरी के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। ये जो वायर रहेगा, ये जो मतलब प्लस है बैटरी का प्लस, कहाँ पे कनेक्ट होगा, जब आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है जो आपका बजर है और जो रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है बैटरी का, इस तरीके से आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्पैक्टली हमने इसको तैयार किया है, तो ये आराम से कवर करके इसको सेफली आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। और कभी भी आपको चेक करना हो, कुछ भी चीज़ चेक करना हो, जहाँ पे आपको एसी सोर्स पता करना, तो आप जस्ट इसको स्विच ऑन करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। रहा बात स्विच का, तो स्विच का आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बीच में डाला, अगर आपके पास स्विच नहीं है तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए, और अगर आपके पास स्विच है तो बीच में आप यहाँ पे कट लगा के आप यहाँ पे जोड़ सकते हो सीरीज़ में स्विच को, ठीक है। इस तरीके से इसको आप तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, कि वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।